में जो बेसिकली प्रॉब्लम है स्टीयरिंग सिस्टम में, गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से स्टार्ट होने के बाद गाड़ी के मीटर क्लस्टर में कोई भी चेक इंजन की लाइट भी नहीं है, ना कोई स्टीयरिंग से रिलेटेड लाइट है। ठीक है जी, अब मैं स्टीयरिंग को घुमाता हूँ लेफ्ट राइट को, ये देखो जी, ये बीच में बिल्कुल स्मूथ हो गया, अब देखो फिर टाइट हो गया, ये देखो। इसको तो घुमाने में भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, ये तो पूरी बड़ी गाड़ी को भी छोड़ गया, पुराने मॉडल की जो गाड़ी आती थी उससे भी ज़्यादा हार्ड हो गया, ये देखो। कुछ गाड़ियों में ऐसी आवाज़ भी आती है इस तरीके से घूम घूम करके, और वर्क अच्छी तरह करता है। पर भाई वीडियो को स्किप ना करें अगर आपने नॉलेज लेना, अगर आपने नॉलेज नहीं लेना वीडियो को ऐसे देख रहे हैं तो भाई अभी वीडियो काटो, दूसरी भी लगा दो। ठीक है जी भाई, चैलेंज बोलता हूँ, अच्छे तरीके से बताऊँगा आपको मैं। हर पे देख सकते हैं जो प्रॉब्लम है इसकी सॉर्ट आउट हो चुकी है, ये देखो, ये देखो एक उंगली से घूम रहा है अब तो, ये देखो जी, ये पूरा फ्लाई व्हील की तरह घूम रहा है, अभी एक राउंड दे रहा तो आधा राउंड खा रहा बाद में, क्यों जी? बिल्कुल। तो ये देखो हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम सिंह मंडी हिमाचल से मल्टी ब्रांड कार इलेक्ट्रिशियन, स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस नई वीडियो में बात करेंगे आईटन ग्रैंड डीजल के बारे में, गाड़ी में जो बेसिकली प्रॉब्लम है स्टीयरिंग सिस्टम में, गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी में जब हम ड्राइविंग करते हैं तो काफ़ी मशक्कत होती है, मतलब गाड़ी को जब स्टीयरिंग लेफ्ट राइट मूव करता है तो काफ़ी मुसीबत होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टीयरिंग कई बार हार्ड हो जाता है, कई बार बिल्कुल स्मूथ रहता है, कई बार इतना हार्ड होता है मुड़ता ही नहीं है। ठीक है जी, तो ये गाड़ी में बेसिकली प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आपको मैं लाइव भी दिखाऊंगा और किस तरीके से इसको ओकर रिपोर्ट करेंगे वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले आपको जो प्रॉब्लम है गाड़ी में वो दिखाता हूँ मैं। अभी आया मैं गाड़ी के कैबिन के अंदर, तो सबसे पहले मैं गाड़ी को इग्निशन ऑन कर दिया मैंने और गाड़ी ये स्टार्ट हो चुकी है। बेटा आगे आ जाकर, और यहाँ पर देखो स्टार्ट होने के बाद गाड़ी के मीटर क्लस्टर में कोई भी चेक इंजन की लाइट भी नहीं है, ना कोई स्टीयरिंग से रिलेटेड लाइट है। ठीक है जी, ये मैं गाड़ी को एक बार बंद कर देता हूँ, इग्निशन ऑन, स्टीयरिंग की लाइट आ रही है, लाइट चलेगी। ठीक है जी, अब मैं स्टीयरिंग को घुमाता हूँ लेफ्ट राइट को, ये देखो जी, ये बीच में बिल्कुल स्मूथ हो गया, अरे देखो फिर टाइट हो गया, ये देखो, ये देखो। इसको तो घुमाने में भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, ये तो पूरी बड़ी गाड़ी को भी छोड़ गया, पुराने मॉडल की जो गाड़ी आती थी उससे भी ज़्यादा हार्ड हो गया, ये देखो। ठीक है जी, ये देखो, और यहाँ दिखाओ बेटा, जब इसको मूव करते हैं तो लाइट जो है यहाँ पे लाइट लगाई हुई है कस्टमर ने, तो ये लाइट भी फ्लक्चुएशन कर रही है, कहने का मतलब इसके ऊपर लोड पड़ रहा है। ये देखो जी, एक आवाज़ भी आ रही है, आपको आवाज़ भी सुनाता हूँ मैं। देखो जी, कुछ गाड़ियों में ऐसी आवाज़ भी आती है इस तरीके से घूम घूम करके, और वर्क अच्छी तरह करता है, बट इस गाड़ी में जो है ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, अभी देखो बिल्कुल स्मूथ हो गया। अब ये जो प्रॉब्लम होती है बेसिकली स्टीयरिंग मोटर से होती है। ठीक है जी, कॉलम कोलम में कोई दिक्कत नहीं होती, अगर इसका जो मॉड्यूल होता है, कोई इसको डब्बी डुब्बी बोलते हैं, ठीक है जी, अगर इसमें प्रॉब्लम होती है तो गाड़ी में जो है स्टीयरिंग सिस्टम की लाइट आती है, कुछ गाड़ियों में स्टीयरिंग व्हील बना हुआ आता है, कुछ में आती है ईपीएस की लाइट। ठीक है जी, तो इसमें ईपीएस की कोई लाइट नहीं है, कोई वार्निंग लैंप नहीं है, तो जो बेसिकली प्रॉब्लम है वो है मोटर में। ठीक है, मोटर को किस तरीके से चेक करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, और बाकी जो ईपीएस की डब्बी है उससे हम आउटपुट चेक करेंगे, वोल्टेज आ रही कि नहीं आ रही है, और हम स्टीयरिंग को मूव जब करेंगे तो इसका टॉर्क सेंसर वर्क करेगा, वो भी हम किस तरीके से चेक करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो में बंद रहें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, पर भाई वीडियो को स्किप ना करें अगर आपने नॉलेज लेना, अगर आपने नॉलेज नहीं लेना वीडियो को ऐसे देख रहे हैं तो भाई अभी वीडियो काटो, दूसरी भी लगा दो। ठीक है जी भाई, चैलेंज बोलता हूँ, अच्छे तरीके से बताऊंगा आपको मैं, हर वीडियो में बताता हूँ, अच्छे तरीके से बताता हूँ, बढ़िया करके आपके लिए मैं टाइम निकालता हूँ, भाई वीडियो को लाइक जरूर किया करें। अब टेस्टिंग के लिए सबसे पहले मैं आपको मैं थोड़ी देर सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ये है इसकी डब्बी। ठीक है जी, इसको ईपीएस मॉड्यूल बोलते हैं, और ये जो वायर है ये सप्लाई की वायर, यहाँ से आती है मेन सप्लाई, दो वायर होती है मोटी मोटी जैसी। ठीक है जी, प्लस माइनस आप चेक कर सकते हो, 12 वोल्ट आती है, और ये जो वायर है ये है मोटर में जाती है। ठीक है, ये यहाँ से देखो वो जा रही है ऊपर मोटर में, ये ओ देखो ऊपर जा रही है। ठीक है जी, और बाकी जो जो वायर होती है ये है टॉर्क सेंसर की जी, ये देखो ये जाती है कॉलम के अंदर। ठीक है जी, वो जा रही है सामने ये यहाँ पे। ठीक है जी, और ये जो वायर होती है ये होती है स्विच इग्निशन से होती है, जो भी है, मतलब आपको मैं मोटा मोटा ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है जी, अब हमने इसकी टेस्टिंग किस तरीके से करनी है, अब मैं सबसे पहले इसकी ये वायर खोल देता हूँ जो मोटर पर जा रही है। ठीक है जी, ये लॉक मैंने हटा दिया यहाँ से, अब मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, ये कर दिया मैंने इसका इग्निशन ऑन। ठीक है जी, और यहाँ पे स्टीयरिंग की लाइट चलेगी,
ये स्टीयरिंग की जो लाइट है तब तक नहीं आएगी जब तक हम जो है यहाँ से पीछे जो डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, या तो टॉर्क सेंसर की तार नहीं खोल देंगे और यहाँ से इसको नहीं खोल देंगे। अब हमने मोटर डिस्कनेक्ट किया है तो लाइट नहीं आएगी, ठीक है जी। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, अगर आप ऐसे ही कर दोगे तो समझ नहीं आ पाएगा, ठीक है जी। अब मैं इसको यहाँ से स्टीयरिंग को मूव करूँगा इस तरीके से लेफ्ट राइट, तो ये बिल्कुल मैकेनिकल स्टीयरिंग बन चुका है, मतलब जिस तरीके से सादा स्टीयरिंग आता है उस तरीके से बन चुका है, ठीक है जी। ये देखो ओके जी, पर लाइट कोई नहीं आएगी। अब टेस्टिंग किस तरीके से करनी है वो बताता हूँ। अब इस कपलर को हमने साइड में कर दिया, अब एक टेस्ट बत्ती लूँगा मैं, ये टेस्ट बत्ती, ठीक है जी। बल्ब ले सकते हैं आप कुछ भी 12 वोल्ट का जो भी है। अब इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ सबसे पहले। अब टेक्नीशियन ने देखो दोनों वायर पे इसको लगा दिया और बल्ब ग्लो कर गया है। एक बार मैं गाड़ी बंद करता हूँ, ठीक है जी। अभी हल्का सा बल्ब जिसमें ग्लो किया हुआ है और बंद हो गया, ठीक है जी। इग्निशन ऑन कर दिया मैंने, ये देखो जी अभी बल्ब ग्लो नहीं किया, सेल्फ लगाया बल्ब ग्लो कर गया और स्टीयरिंग की जो लाइट है वो भी चलेगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने ध्यान से देखना, ठीक है जी। देखो बल्ब तेज़ हो गया ना, अब इसको मैं फिर से मूव करता हूँ, ये देखो जी तेज़ हो गया, ये स्लो हो गया, ये देखो। अब हम जब इसके ऊपर टॉर्क लगा रहे हैं, इसको मूव कर रहे हैं लेफ्ट राइट को, तो टॉर्क सेंसर जो है सेंस कर रहा है, ठीक है जी। टॉर्क सेंसर सेंस कर रहा है, उसको पता लग रहा है अभी स्टीयरिंग मूव हो रहा है, तो टॉर्क सेंसर का जो काम है इसको सेंस करना होता है अभी यहाँ से ऊपर से हमारे को टॉर्क मिल रही है घुमाने के लिए, तो एकदम सडनली जो सिग्नल है वो स्टीयरिंग मोटर को देता है। और हमने जो टेस्ट बत्ती लगा रखी है वो स्टीयरिंग मोटर पे लगा रखी है मॉड्यूल के ऊपर, यही इसका काम है, ठीक है जी। ये देखो जी अब यहाँ से हमारे को कन्फर्म हो रहा है इसके जो प्रॉब्लम है मोटर में है। अगर लाइट लुइट होती है यहाँ पर EPS की स्टीयरिंग की जो लाइट होती है तो हमारे को स्कैनर लगाना पड़ता, तो ऐसे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी काम देखो हो गया हमारा, कहने का मतलब है इसकी जो मोटर है वो ख़राब है। हाँ बेटा तेरे को समझ आया? समझ आया ना बढ़िया करके? पहले तेरे को पता था इसके बारे में? नहीं, नहीं पता था? हाँ बिल्कुल समझ आ गया। तो कहने का मतलब पब्लिक को समझ आ गया हो या आ गया होना ना, तो जिस तरीके से मैंने बनाया, ठीक है जी। ये देखो ये मच गया बल्ब, ये देखो बढ़िया करके काम कर रहा है। अब ये जो स्टीयरिंग मोटर होती है मैंने कस्टमर से बात की, ये रिप्लेस करनी पड़ेगी, ठीक है जी। हिंडाई की कॉस्टली आती है, 1700 की 1800 रुपये की आती है हिंडाई की। एक जो लोकल मिलती है ओरिजिनल करके वो भी आती है, सेकेंड हैंड मिलती है, रिपेयर भी हो जाती है, ठीक है जी। कस्टमर बोलता है वैसा कुछ कुछ वाला काम नहीं चाहिए मेरे को, बढ़िया काम चाहिए, तो उन्होंने ऑलरेडी कंपनी में पता किया था, लेकिन वो हमारे पास ही काम कराते हैं, इतना ट्रस्ट इशू है हमारे ऊपर, तो उन्होंने बोला भाई आप ही चेंज करोगे, तो हमने न्यू मोटर मंगाई है, ये देखो जी ये मंगाई है हिंडाई की जेन्युइन, ठीक है जी, ठीक है जी। इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं, अनबॉक्सिंग तो हमने पहले ही कर दी थी, यहाँ पे देखो जी ये भाई ये इसकी स्टीयरिंग मोटर दिख रही बेटा। हाँ जी। इसको हम इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करेंगे और सबसे पहले जो हम कॉलम है इसको डाउन करते हैं। अब हमारे को ज़्यादा खोल दर्द नहीं करनी इसमें, मोटर इसकी आराम से पड़ जाती है, ठीक है जी। सबसे पहले ये हमारे को ये कवर खोलना पड़ता है और इसके नीचे ये सामने कैमरे के सामने एक 12 नंबर का नट लगा हुआ है इस साइड, और एक नीचे वाली साइड लगा होता है, और एक हिडन बोल्ट होता है यहाँ नीचे लगता है, जब खुलेगा मैं आपको बताता हूँ। और राम से कॉलम जो है विद व्हील नीचे आया था, कोई एयरबैग वगैरह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ना कोई स्टीयरिंग व्हील खोलने की जरूरत पड़ती है, ठीक है जी। अब मैंने फिलहाल के लिए जो नई मोटर है इस तरीके से लगा दिया है, ठीक है जी, बाहर ही लगा दिया है। अब इग्निशन ऑन करता हूँ मैं, गाड़ी स्टार्ट होगी। अब इस पर आपने ध्यान देना, मैं जब भी इसको मूव करूँगा ना स्टीयरिंग को इस तरीके से, ये देखो जी ये है इसका स्टीयरिंग व्हील, वो देखो मूव मोटर जो है मूव कर रही है, ये देखो जी ये साइड कर गई, लेफ्ट मूव किया मैंने, ये राइट मूव किया, राइट को मूव कर गया। बेटा पकड़ के एक बार दिखाओ जरा कर, ये देखो जी स्टीयरिंग मैंने मूव किया लेफ्ट को, ये ठीक है जी, उधर को मूव किया और इधर को मूव किया, ये दोनों तरफ को मोटर जो है मूव कर रही है, ये देखो जी इतना टॉर्क है मोटर के अंदर, देखो जी मेरे पकड़ में नहीं आ रही, हाथ से भाग रही है, ठीक है जी। खोलो बेटा इसका कॉलम खोलो, और फिलहाल जो है इसका जो कॉलम है हमने बाहर निकाल दिया है, इस तरीके से ये बाहर आता है, ठीक है जी। एक क्लच का स्विच खोलना पड़ता है यहाँ से आराम से, ठीक है जी। बाकी इसके जो मोटर के नट है हमने लूज़ कर दिए हैं, अब इसको पहले बाहर निकालते हैं। चलो चलो चलो, तो ये देखो इसकी जो स्टीयरिंग मोटर है ये बाहर आ चुकी है, और एक इसको लॉक होता है,
उसको भी साइड में हटा के ये जो इसकी मोटर है कम्प्लीटली बाहर आ गई है। ठीक है जी, ये देखो नवी लाओ बेटा। और ये इसकी न्यू मोटर है, मैंने आपको बताई है। ठीक है जी, ये पुरानी मोटर है, कई बार ये बुश की दिक्कत भी आती है। ठीक है जी, तो इसके में अंदर जो है बुश बास की कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। इसकी जो प्रॉब्लम है अंदर बसिस में होती है। ठीक है जी, तो अब इस मोटर को हम रिप्लेस कर रहे हैं। ये बनती है भाई मांडो कॉरपोरेशन, ठीक है जी, और कंपनी के साथ भी यही आती है मेरे ख्याल से, है ना, EHS है। ठीक है जी, साफ से अपडेशन होती है भाई, उस हिसाब से मैंने मंगाई है। लो बेटा करो फिट इसको। और फिटिंग का जो प्रोसेस है वो भी सेम रहता है, जिस तरीके से हमने खोली है उस तरीके से फिट करते हैं। और बाकी 3 ही नट होते हैं कॉलम के खोलने के लिए, मैंने आपको पहले बताया है। ये होता है 1, यहाँ पे 2, और तीसरा जो नट होता है यहाँ पे 14 नंबर का बोल्ट होता है। ठीक है जी, ये वाला, ये होता है 8 बोल्ट, इसी का ध्यान रखना, राइट साइड से खुलता है ये। और अब हमने इसकी जो कंप्लीट फिटिंग कर दी है, यहाँ से कॉलम कॉलम जो है खोला हुआ, कवर कुवर जो खोला हुआ था सारा हमने कम्प्लीटली फिट कर दिया है। ठीक है जी, बाकी यहाँ से कवर लगने हैं उसको बाद में लगाते हैं, पहले जो हमने प्रॉब्लम थी गाड़ी में वो चेक करनी है, वो सॉर्ट आउट हुई है कि नहीं हुई है। तो गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दिया और लाइट लूट तो यहाँ पे कोई नहीं थी। ठीक है जी, और अब भी कोई नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रॉब्लम है इसकी सॉर्ट आउट हो चुकी है। यह देखो बिल्कुल स्मूथ हो चुका है काम, ये देखो जी, ये व्हील एक्स्ट्रा लगा रखा है घुमाने के लिए, बिल्कुल बढ़िया करके काम कर रहा है। और ये देखो एक उंगली से घूम रहा है, तो ये देखो जी, ये पूरा फ्लाई व्हील की तरह घूम रहा है, अभी एक राउंड दे रहा था आधा राउंड खा रहा बाद में, क्यों जी? बिल्कुल। तो ये देखो जी, तो कहने का मतलब है हमारी जो प्रॉब्लम थी सॉर्ट आउट हो चुकी है, और बाकी फिटिंग वगैरह दिखा दो आगे। और जैसे हमने फिटिंग वगैरह खोली हुई थी सेम उसी तरीके से हमने फिटिंग वगैरह सारी कर दी है, और बाकी यहाँ का कवर फिट करते हैं अब। तो देखा दोस्तों आपने, जो गाड़ी में प्रॉब्लम थी मैंने आपको बताई, और सॉर्ट आउट किस तरीके से की, टेस्टिंग किस तरीके से की, क्या क्या हमारे को खोलना पड़ता है। अब कई बार तो पूरा कॉलम ही खींच के बाहर निकाल देते हैं, कई बार रिबन रूमर टूटता है तो बहुत नुकसान होता है। फिलहाल इस गाड़ी में एयरबैग नहीं है, कई गाड़ियों में एयरबैग वगैरह होता है तो उसी से नुकसान होता है। बेटा गाड़ी बंद कर दे यार, आंखों में धुआं पड़ रहा है। तो ये था आज का इन्फॉर्मेशन, एक छोटा सा वीडियो बनाया मैंने इन्फॉर्मेशन देता। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे वीडियो को शेयर करें ताकि औरों के पास ये नॉलेज पहुँच सके, और औरों को भी जो है इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। तो ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए श्याम सिंह कार टेक्नोलॉजी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।